गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। अभी है हम लोग अपने होटल के टेरेस पे, छत पर आ चुके हैं क्योंकि योगा सेशन शुरू होने वाला है, तो योगा करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो अभी टेरेस पर ही स्पेस है, इनके पास छत पे ठीक ठाक स्पेस है। यहाँ पर इनका एक पूल भी है छत पर, छोटा सा पूल है बट नाम के लिए एक पूल है। यहाँ पर ये चांद बहुत सुंदर, और इसके साथ में ये जो तारा है ना, ये ऊपर यहाँ पर, ये यहाँ पे कहाँ गया, ये तारा है, ये चांद बड़ा सुंदर लग रहा है। और सुबह सुबह जयपुर की ये हवा, अच्छा दिन होगा आज हमारा, क्योंकि जो हमारी राइड है वो छोटी सी राइड होगी यहाँ से पुष्कर तक, और फिर हम लोग देखेंगे पुष्कर का ब्रह्मा टेम्पल और पुष्कर लेक, ये विज़िट करना है, ये हमारा इम्पोर्टेंट काम है। और उसके बाद फिर हम अपने पुष्कर के होटल में बैठ करके करेंगे चिल। तो ख़त्म कर लिया आज का अपना योगा सेशन, तो टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं, और अब चलते हैं फटाफट, करते हैं ब्रेकफास्ट, तैयार होते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बहुत ही एग्जॉटिक डेस्टिनेशन है पुष्कर। क्या ब्रेकफास्ट तैयार है हम लोग यहाँ से निकलने के लिए। रूम साफ कर दिया गया है बिल्कुल, ये हमारा था स्वीट रूम इन जयपुर। यही खड़ी करी गई थी गाड़ी, जो बसेस है वो भी रेडी है, वो भी निकल रहे हैं वहाँ से, हम लोग भी निकलते हैं। टाइम हो गया है 8:40, तो इससे पहले कि धूप और तेज हो, गर्मी बढ़े, निकल लेते हैं यहाँ से। जय बजरंगबली। चलो अभी पेट्रोल भी भराना है, हो गया है टाइम। जरा ट्रिपर नेविगेशन डाल लिया जाए क्योंकि हमें जाना है पुष्कर की तरफ। तो हमारा होटल है सावित्री रिजॉर्ट, ढाई सौ मीटर के बाद थोड़ा सा, ये 200 मीटर के बाद थोड़ा सा लेफ्ट जाना है, और फिर 137 किलोमीटर, उसे 138 दिखा रहा था, यहाँ पे शो कर रहा है 137। अभी यहाँ से ही मुड़ना है अपने को। लो हो गई बत्ती, अब बत्ती में खड़े रहना पड़ेगा। अभी अराउंड 80 किलोमीटर, 80-85 किलोमीटर आ चुके हैं। ये है किशनगढ़ बाईपास, और अभी हम अजमेर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अजमेर से फिर हम घूम जाएंगे पुष्कर के लिए। मकराना वही जगह है जहाँ से ताजमहल के लिए मार्बल बनाए गए थे। पेट्रोल फुल कर दो भाई, कार्ड चलेगा, पेटीएम भी नहीं है। अरे यार ये भी सिस्टम है, 4 रुपए चल रहा है, ये कैसा, कुछ अलग पेट्रोल है क्या? कितने का है ये? 111.5। तो ये नए तरीके का कुछ पेट्रोल है, रिलायंस का, रिलायंस जियो बीपी फ्यूज विद इंटरनेशनल एक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये हम लोग आ गए हैं अजमेर। अभी पुष्कर 20-22 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। फिर से ट्रिपल नेविगेशन ने मेन रास्ते से हमें डाइवर्ट करके और अंदर अंदर के रास्ते से ले जा रहा है। ट्रिपल नेविगेशन जो है ये कई बार कंफ्यूज करता है, एक तो ये अंदर अंदर के रास्ते से ले जाता है, और दूसरा ये कि ये अक्सर राउंड अबाउट पर चौराहों पर ये कंफ्यूज कर देता है इधर जाना है। तो पुष्कर पहुँचने से पहले ये पूरी एक श्रृंखला पहाड़ों की, अरावली की हमें इधर मिलती है, इन्हीं पहाड़ों को क्रॉस करके हम उस पार चले जाएंगे तो पुष्कर मिलेगा हमें। तो पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, ये सब साथ साथ में ही है, पास साथ में तो नहीं है, थोड़ा अलग से है। तो सीन अभी ये है, यहाँ पर पुष्कर में जिस होटल में हम लोग रुकने आए हैं, सावित्री रिजॉर्ट, यहाँ पर थी एक शादी, तो जिसकी वजह से अभी रूम सारे अवेलेबल नहीं हैं, कुछ रूम्स अभी भी ऑक्यूपाइड हैं। तो जब वो रूम्स खाली होंगे तब वो रूम्स हमें मिलेंगे, फ़िलहाल तब तक गार्डन को, लॉबी को, यही सब इन्जॉय करना होगा। फाइनली हम लोग को हमारा रूम मिल गया है, 306,
चल के देखते हैं कि कैसा है हमारा रूम। भाई यहाँ तो बेड ही नहीं है, सिर्फ टेबल सोफा। अच्छा इधर भी कुछ है, किचन, छोटा मोटा सा किचन। इधर चलते हैं। ओ ये है हमारा रूम। वाव, दो डबल बेड्स पड़े हुए हैं। कॉर्ड ऑक्यूपेंसी पे ये रूम यूज़ किया जा सकता है सावित्री रिजॉर्ट में। और ये है नज़ारा यहाँ से, कुछ देखें यहाँ से क्या दिखता है। कोई बहुत ज़्यादा खास व्यू नहीं है यहाँ से, सामने वो उधर अरावली है, सामने बाग बगीचे वगैरह। अब बारी आती है हमारे बाथरूम की, सो लेट्स चेक आउट आवर बाथरूम। वाह, ये है जकूजी। तो हमारा बाथरूम में जकूजी एंड क्यूबिकल, नाइस। और ये है इसका डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया है इस रूम का। तो फिलहाल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ये हम लोग का रूम। सूरज थोड़ा सा जब ढलेगा, सूरज थोड़ा सा जब गर्मी कम होती है सूरज की, तब हम यहाँ से निकल के चलेंगे ब्रह्मा टेम्पल के लिए। होटल ये वाकई अच्छा है, शहर से दूर है पर बहुत स्पेशियस, रूम्स बड़े बड़े हैं। तो ये आ चुके हैं हम लोग पुष्कर मार्केट और अब बढ़ रहे हैं हम लोग ब्रह्मा जी के मंदिर की तरफ। तो इस वक्त है अभी पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर के जस्ट बाहर। मोबाइल कैमरा ये सारी कोई चीज़ भी अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। तो अभी हम लोग जो है सामान जूते चप्पल सब कुछ बाहर रखेंगे और मंदिर विजिट करके आएंगे। अभी आरती हो रही है, संध्या आरती। तो संध्या आरती के समय बहुत ही पावन समय है और दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी के। नहीं नहीं है, साथ में है हमारे। तो ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया आरती का समय था, बहुत ही शुद्ध वातावरण पूरा। और आप घूमते हैं मार्केट। बहुत ही कलरफुल मार्केट पूरी। पहली शॉपिंग अंकिता ने करी है इत्र की। तो पुष्कर में, पुष्कर जो है वो गुलाब के लिए भी काफ़ी फेमस है। पुष्कर का गुलकंद और पुष्कर के गुलाब ये बहुत फेमस है। तो अगर आप पुष्कर आते हैं तो गुलाब का बना हुआ गुलकंद और उसके इत्र वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ खुद पैदा होते हैं जो ऐसे गुलकंद आते हैं। इस वक्त हम लोग हैं पुष्कर में, पुष्कर मार्केट के बीच में। ये एक कैफ़े है, लाफिंग बुद्धा कैफ़े, और यहाँ पर हम लोग बैठ करके कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स करेंगे, क्योंकि समय हो गया है कि आदू को कुछ खिलाया जाए। आदू भूख लगाए ना थोड़ा थोड़ा। और ये बहुत ही अच्छा कैफ़े है, इसका इंटीरियर बहुत ही बढ़िया लगा। तो अभी यहाँ पर बैठ करके पीते हैं लस्सी, स्पेशल लाफिंग बुद्धा लस्सी, और फिर हम लोग पुष्कर को और एक्सप्लोर करेंगे। नहीं, लाफिंग बुद्धा स्पेशल लस्सी, जिसको पीने के बाद मैं लाफ करना चाहिए, देखते हैं थोड़ी देर में क्या असर होता है। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, और मतलब मैं लस्सी कम और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खा रहा हूँ अभी तो। मतलब खैर इसमें से ऊपर से नहीं दिख रहा, मैंने सब मिक्स कर लिया इसके अंदर। तो लाफिंग बुद्धा से निकल करके आ गए हैं और अब हम आ चुके हैं गऊ घाट। गऊ घाट है पुष्कर लेक के का एक घाट है। तो पुष्कर का ये है मुख्य घाट, सबसे मेन घाट गऊ घाट, उसको देखते हैं और पुष्कर लेक के दर्शन करते हैं और फिर हम यहाँ से बढ़ चलेंगे आगे। तो घाट पे जाने से पहले आप अपने जूते चप्पल उतार दीजिए और फिर आप जाइए घाट पर। तो ये है बड़ी सी पुष्कर लेक, कई सारे घाट हैं इस पर, और उधर वो सामने वहाँ पर है कैफ़ेज़ पुष्कर लेक के साइड में, वहाँ भी ऊपर कैफ़ेज़ हैं। तो ये सारे कैफ़ेज़ हैं,
यहाँ पे आप बैठ करके खा पी भी सकते हैं और पुष्कर लेके नज़ारे भी उठा सकते हैं। हम हो रहे थे लेट और पहुँचना है बस पर, बस हमारी खड़ी है पार्किंग में, तो निकल करके चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली आ चुके हैं वापस अपने रूम पर, कर लिया है अपना डिनर। तो इतना सही था हमारा पुष्कर का ये सफ़र, ख़त्म होता है आज हमारा पुष्कर का सफ़र। और कल सुबह हम लोग निकल करके चलेंगे यहाँ से उदयपुर की तरफ। रास्ते में हो सकता है कि विजिट करें कुंभलगढ़ और नाथद्वारा मंदिर जो है। मिलते हैं कल उदयपुर के सफ़र पर, तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।